Welcome back to Journey Joy Hub by Abroad. We are back with another vlog. मुझे लग रहा है कि आज के vlog का मुझे इतना ज़्यादा introduction नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आज सारी दुनिया को पता है. अगर मैं more specifically बात करूँ तो आज 29th of July है 2024. तो आज का दिन जो है तारीख में लिखा जाएगा वो कैसे किस लिए मैं आपको बताता हूँ. जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि इस साल का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जारी था और आज क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैच जो कि फाइनल मैच खेला जाने वाला है बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. तो बेसिकली बीइंग अ पाकिस्तानी मैं हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूं, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है. तो आज भी वो टीम जिसको मैं सपोर्ट करने वाला हूं वो है None other than पाकिस्तान. लेकिन रुको यार, पाकिस्तान तो टूर्नामेंट से कब का चेकआउट हो गया, वो तो कब से एलिमिनेट हो गया. तो जैसा कि हमारे पास पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं है तो हम अपने सेकंड ऑप्शन के पास जाएंगे, अपने सेकंड हाफ को प्रेफर करेंगे, अपनी सेकंड नेशन को सपोर्ट करेंगे जो के नन अदर देन इंडिया है. बहुत सारे लोग मुझसे खफा होंगे, मुझसे शिकायत करेंगे कि वाई मैं बीइंग पाकिस्तानी इंडिया को सपोर्ट करूं. लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर वर्ल्ड कप चल रहा हो, पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं है, तो मैं प्राउडली कहता हूं कि मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा. आप भी कमेंट्स में बता देना आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे. और सबसे खास बात, आज जिस मर्जी टीम की विनिंग होगी आप इस विन को कैसे सेलिब्रेट करोगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना. सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्योंकि अ लॉट ऑफ कंटेंट इज कमिंग ऑन द वे. बेशक आप लोग सब मेरी छुपके से YouTube की वीडियोस देख रहे हो, आप तो नहीं बताते मगर YouTube हमें सब बता रहा है. तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो. अगर राजा भाई आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं, इतना लव आपको शो कर रहे हैं, and all I want in return from you is like थोड़ा सा love and वो subscription. तो vlog को पूरा देखना and channel को ज्यादा से ज्यादा share करना, subscribe करना, ताकि हम इसी तरह आपको entertain कर सकें. So without any further delay, let's get started. चलो जी, व्लॉग की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताता चलूं कि आज का हमारा प्लान क्या होने वाला है. तो अभी बुडापेस्ट में एग्जैक्ट टाइम जो है वो 4 PM हुआ है. मैच के शुरू होने के जो टाइम है अकॉर्डिंग टू बुडापेस्ट टाइम तो वो 4:30 PM है. तो अभी मैच की शुरुआत हम अकेले बैठ के करेंगे, मैच को देखेंगे, फिर उसके बाद हम 1 घंटे या 1.5 घंटे में अपने घर से निकलेंगे, अपने इंडियन पाजी, अपने सरदार पाजी के घर जाएंगे, वहां पे जाके अपना मैच कंटिन्यू करेंगे. बाकी मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मेरी आज दिली विश है और मैं बींग अ मुस्लिम, बींग अ पाकिस्तानी, मैं उस रब से दुआ करता हूं कि आज का मैच इंडिया को जीतना चाहिए क्योंकि उसकी दो रीजन है. फर्स्ट, मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं और ऑफकोर्स पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा अपना सेकेंड हाफ, मेरा अपना सेकेंड नेशन, वो नेशन जो 1947 में हमसे अलग हो गया था लेकिन आज भी वो हमारा अपना कंट्री है, आज भी वो हमारा अपना मुल्क है, तो मैं चाहूंगा कि वो मुल्क जीते. फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीजन. सेकंड रीजन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला शायद, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं कि इसके बाद ये लोग T20 वर्ल्ड कप में नहीं होंगे. तो जैसा कि मेरे ऑल 3 फेवरेट प्लेयर्स इस T20 वर्ल्ड कप के बाद नहीं होंगे, तो मैं चाहता हूं कि यार रोहित शर्मा, विराट कोहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी एटलीस्ट जीतना डिजर्व करते हैं.
ए रब, ए मेरी ऑडियंस, चलो मिलकर दुआ करते हैं और सबसे बड़ी बात इंडिया को जितवाते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं तो इंडिया। आज हमें इंडिया के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इंडिया, वी लव यू, वी आर सपोर्टिंग यू। रोहित शर्मा, हिटमैन, लेट्स मेक द हिस्ट्री, लेट्स डू दिस, वी आर ऑल विद यू। टू नेशंस मगर वन गोल। तो चलो आज बिना किसी डर के, बिना किसी पर्सनल गोल्स अचीवमेंट के, सिर्फ एक गोल को अचीव करते हैं, वो है T20 मेंस क्रिकेट की ट्रॉफी। तो गाइस, कुछ टाइम के लिए ये मुल्कों की दुश्मनियां भूल के आज अपनी सेकंड नेशन को सपोर्ट करो और दुआ करो कि आज इंडिया ये मैच जीतना चाहिए। इंडिया मैच जीतेगा और मजे की बात है, पाजी को इस चीज का नहीं पता, हम पाजी के घर में जाएंगे, मैच वहां पे कंटिन्यू करेंगे और अगर इंडिया मैच जीता उसके बाद हम लोग क्लब में जा रहे हैं पाजी को लेके, बुडापेस्ट में जो सबसे फेमस क्लब है वहां पे जाएंगे, पाजी के साथ यस चैलेंज करेंगे। बेशक मैं पाकिस्तानी हूं, इंडिया जीतेगा तो इस जीत की खुशी में, इस विन की खुशी में मैं आज पाजी को बोलूंगा कि पाजी जो मर्जी खाओ पियो, ऐश करो, क्योंकि आज राजा भाई आपका खर्चा करेंगे। सो व्लॉग को पूरा देख लेना और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना। दुआ है कि आज इंडिया जीतेगा, रोहित शर्मा को आज हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे, तो सबसे बड़ी बात हम अपना यस चैलेंज करेंगे। बेशक राजा भाई का खर्चा होगा, लेकिन मेरे यार, मेरा अपना सेकंड कंट्री, उसके लोग, वो नेशन आज पार्टी करेगी, आज की रात सुकून से सोएगी, क्योंकि पिछले साल की वो रात, उससे पिछले साल की भी रात उनके लिए बहुत कठिन थी, बहुत मुश्किल थी, मैं समझ सकता हूं। बाकी उम्मीद है कि आज वर्ल्ड कप इंडिया ही उठाएगा। सो अभी चलो जी, आपको थोड़ा सा अपना सेटअप दिखा देते हैं जो आज के मैच के लिए हमने किया है। ये है हमारा आज का सेटअप, साथ गाने चलेंगे, ये हमारा यूट्यूब का चैनल, यहाँ पे अभी हम मैच लगाएंगे। और मजे की बात बताता चलूं, एक घंटा, पहला घंटा हम अकेले बैठ के कमेंट्री भी करेंगे, मैच की हाइलाइट्स, मैच की मूवमेंट्स भी कैप्चर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने शुभ पाजी के घर में, वहां पे मैच कंटिन्यू करेंगे, पाजी की राय आपको बताएंगे एंड मैच को एंजॉय करेंगे और वेट करेंगे कि आज की रात फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एंजॉयमेंट एंड फुल ऑफ ड्रिंक्स होगी। तो ये आप किस्मत के हाथ में है, ये आप उस रब के हाथ में है। तो चलो बाकी मजे की बात बताऊं, हम आज पूरा दिन आपके साथ कैप्चर करेंगे, आपको दिखाएंगे हमारा एक नॉर्मल लाइफ का दिन बुडापेस्ट में कैसे जाता है। तो सैटरडे है, सैटरडे नाइट इज द बेस्ट नाइट इन बुडापेस्ट, पार्टी करेंगे, व्लॉग की क्लोजिंग हम पार्टी के साथ करेंगे और मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगा और वो पार्टी बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो चलो मैच शुरू होने वाला है, मैच शुरू करते हैं और टाइम टू टाइम आपके साथ कमेंट्री शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखना और दुआ करते रहना, और सबसे बड़ी बात, अगर व्लॉग पसंद आया तो उस पर लाइक ठोक देना, कमेंट कर देना और इसको शेयर कर देना। हाँ जी गाइज, मैच शुरू हो गया यार, आई एम रियली एक्साइटेड। और मजे की बात है, इंडिया की बैटिंग है, तो चलो पहले आंखें बंद करके दुआ करते हैं उस रब से कि आज इंडिया मैच जीतने में कामयाब होगा। गर्मी बहुत है बुडापेस्ट में, इसीलिए हमने अपना एसी भी फुल छोड़ दिया है ताकि गर्मी फील ना हो और फुल अटेंशन से हम जो है मैच कवरेज कर सकें, मैच आपके साथ शेयर कर सकें और बीच में आपको एंटरटेन कर सकें। तो बाकी प्रेडिक्शन टाइम आपसे अभी बताता चलूं कि इंडिया की पहली बारी है, मैं दुआ भी कर रहा था, थैंक यू गॉड यू आर ऑलरेडी लिसनिंग मी। तो बाकी रोहित शर्मा इंशाल्लाह इंशाल्लाह 50 प्लस जाएगा, इंडिया का टारगेट ऑलमोस्ट 190 प्लस होने वाला है एंड आज धड़ल्ले का मैच होने वाला है और इंडिया ही वर्ल्ड कप का मैच जीतेगा। विकेट्स के हवाले से बात करूं तो इंडिया की जो विकेट है 6 ओवर्स के बाद आएगी, पावर प्ले के बाद आएगी और सूर्या कुमार यादव आज फॉर्म में जाएगा, रोहित शर्मा फॉर्म में जाएगा एंड अक्षर पटेल अच्छी बॉलिंग करेगा। सबसे बड़ी बात, अपना फेवरेट बुमराह, जसप्रीत बुमराह आज किल करने वाला है। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है।
मैच कवरेज करते हैं, कमेंट्री आपसे शेयर करते हैं, और ये मत भूलना एक घंटा मैच हम अकेले देखेंगे, उसके बाद पाजी को ज्वाइन करेंगे और पाजी की पंजाबी में शायरी, पंजाबी में कमेंट्री आप लोगों से शेयर करेंगे। तो मजे की बात आपको बताता चलूं, मैच शुरू हुआ है, अभी पहला ओवर चला है। विराट कोहली 2 बॉलों पे 2 चौके, राजा भाई फॉर्म में है। ओए यार, 3 बॉलों पे 3रा चौका होने वाला था लेकिन बच गया, बाल बाल 3रा चौका बच गया। लेकिन मैं आपको कह रहा था कि विराट कोहली बड़े मैच का प्लेयर है, उसकी कैपेबिलिटी पे, उसकी स्किल्स पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। तो आज विराट कोहली करेगा। मैं आपको बता रहा था कि वो पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप गया, लेकिन मुझे यकीन था कि ये बंदा फाइनल में जागेगा। सॉरी, आप लोग देख रहे हो, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, मुझे पता नहीं था। तो यार, रोहित शर्मा जैसा कि मैंने आपको बोला मेरा फेवरेट है, इसकी बैटिंग देखने का बहुत मजा आता है यार। तो अभी रोहित भाई, रोहित ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर फ्रॉम अनदर नेशन, भाई ने 3 बॉलें खेली हैं 2 चौके, महाराज का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। Yes! यार मेरा फेवरेट प्लेयर चला गया है, रोहित ब्रदर, रोहित शर्मा। लेकिन ऑडियंस और टीम इंडिया, मैच सारा आपके हाथ में है। बेशक रोहित चला गया, लेकिन बाकी 10 तो पड़े हैं। आज पहले रोहित शर्मा ने आपको वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाया है, लेकिन आज 11 दूसरे बंदू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो फाइनल रोहित शर्मा के लिए जीते, वो फाइनल इंडिया के लिए जीते, वो फाइनल विराट कोहली की रिटायरमेंट के लिए जीते। तो रोहित शर्मा, थैंक यू, नो वरी, टेंशन ही लेनी। आज हम और ये 11 बंदे आपके लिए मैच जीतेंगे। ऋषभ पंत ब्रो, लेट्स नेल इट, लेट्स रॉक इट ब्रो। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने ग्लासेस क्यों पहनी है, मैं घर में बैठा हूं, बट ग्लासेस इसलिए पहनी है कि ताकि आप लोग मेरी नम आंखें ना देख सकें, क्योंकि 2 हमारे बशिंदे आउट हो गए हैं, 2 प्लेयर आउट हो गए हैं, रोहित शर्मा एंड पंत। अभी भी परेशान नहीं हूं, बट थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्योंकि 2 आउट एट द सेम टाइम सेकेंड ओवर में, देखते हैं आज क्या होगा। लेकिन आज इंडिया को मैच जीतना चाहिए, इंडिया के लिए नहीं तो पाकिस्तान के लिए लाजमी। तो हाँ जी गाइज, बताना आपको ये है अपडेट मैच की, ये है 3 आउट हो गए हैं, 5 ओवर हैं, रोहित शर्मा, पंत एंड सूर्य कुमार यादव दोनों मेरे फेवरेट बैट्समैन चले गए हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहे हैं, मार्करम है, तो चलो देखते हैं क्या होगा। जी गाइज, मैच काफी अच्छी सिचुएशन में आ गया है, जैसा कि आपको पता था, मैंने आपको अपडेट दी थी, 3 आउट हो गए थे पावर प्ले के अंदर। अक्षर पटेल और कोहली जो है बैटिंग कर रहे हैं, अक्षर पटेल हर एक ओवर में ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ बाउंड्री लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी एक छक्का भी आया अक्षर पटेल के बैटिंग से, और हमारे अभी घर को लीव करने का टाइम हो गया है, अभी हमें घर से निकलना पड़ेगा। विद इन 5 मिनट्स हम अपने घर से निकलेंगे और पाजी के घर चलते हैं। पाजी वो जो मैंने आपको पीछे व्लॉग में बताया था, इंडियन पाजी, वहां चलते हैं, मैच की कमेंट्री, मैच की हाइलाइट्स, मैच का शुगर मिला वहां जाके कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आज इंडिया मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा। इंडिया गो हार्ड, लेट्स ब्रिंग दिस ट्रॉफी टुगेदर बैक होम। तो गाइज, अभी हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं, आपको सराउंडिंग दिखाते हैं, ये है सराउंडिंग। काफी गर्मी मची हुई है बाहर, हम एसी में बैठे हुए थे, तो चलो चलते हैं पाजी के घर में, पाजी के घर में चलते हैं, जाके वहां पे मैच कंटिन्यू करते हैं। बहुत ज्यादा थरथली मची हुई है, अभी इंडिया के 10 ओवर्स हो गए हैं, 75 रन्स है एंड 3 आउट। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है।
What a lovely day here in Budapest. मैं आपको बता नहीं सकता, I'm really happy. दिन ने, आज की धूप ने, आज के वेदर ने हमें अच्छा फील कराया है. अब उम्मीद है हमारी जो नाइट है वो भी अच्छी होगी. वेट करते हैं इंडियन टीम्स, ये आपके हाथ में है हमारी नाइट अच्छी करना. उस रब ने, उस कुदरत ने हमारा दिन, हमारी मॉर्निंग ऑलरेडी अच्छी कर दी है. अभी आज की रात का जो निज़ाम है वो आपके हाथ में है और उम्मीद करता हूँ कि आज आप ये ट्रॉफी जीतोगे, ये मैच जीतोगे और हमें पार्टी करने का मौका दोगे. तो एक बार फिर मैं आपको दिखाता चलूँ बुदापेस्ट का जो करंट वेदर है, जो भी मौसम है, नेक्स्ट लेवल. और हमारी जो सराउंडिंग है वो कुछ ऐसी है, उसका 360 व्यू आपकी स्क्रीन पे. तो चलो जी यार, भागना पड़ेगा, बस लेते हैं क्योंकि मैच लेट नहीं करना, मैच शुरू हुआ पड़े. जल्दी जल्दी चलते हैं, मैच कंटिन्यू करते हैं अपने दोस्त के घर में. गाइस मैं आप लोगों को बताता चलूं, 3 मिनट में हमने अपनी बस पकड़नी है. वो बस बुडापेस्ट के स्टॉप पे आ रही है, उसका नाम है न्यूगाती. तो चलो अभी न्यूगाती पे भागते हुए पहुँचते हैं. हमने मैच को लेट नहीं करना, पाजी को हमने बता दिया है कि हम आ रहे हैं पाजी के घर में. अच्छा एक और बात आप लोगों से शेयर करता चलूं, हम लोग देसी लाइक पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, हमारे कनेक्शन लाइक यूरोप में बन जाते हैं, बाहर के मुल्क में बन जाते हैं. तो अभी 3-4 दोस्त अपने जानने वाले मिले थे, मैंने उनको बोला कि भाईजान अभी नहीं क्योंकि अभी बस पकड़नी है और पाजी के घर चलना है. तो 100 साल राजा भाई हुए पहले, लेकिन ये मैच मिस नहीं करना क्योंकि इंडिया को जितवाना है. हाँ जी गाइज, आपको बताते चलें कि हमने अपनी पिछली बस जो है मिस कर दी है अनफॉर्चुनेटली. तो अभी हमारी जो नेक्स्ट बस है वो 5 मिनट में आ रही है. ये वो स्टॉप है जहाँ पे हमारी बस आएगी. तो चलो यार, बस तो हमने मिस कर दी लेकिन आज का मैच हम मिस नहीं करना चाहते. आप लोगों को बताते चलें कि अभी हम लोग बस से निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं. तो अभी यहाँ पे आसपास कहीं पाजी की बिल्डिंग है, तो चलो यार पाजी का घर ढूंढते हैं, जल्दी से ऊपर चलते हैं और मैच की अपडेट देखते हैं. बाकी फिलहाल मैं गूगल से चेक कर रहा था तो हमारा जो मैच है 120 स्कोर हो गए हैं, 4 आउट हैं, 15th ओवर चल रहे. अभी हमने गूगल पे चेक किया है और अक्षर पटेल जो है आउट हो गया है. यार दिस इज़ रियली अ सैड न्यूज़. दिल मेरे अंदर से कह रहा है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगा तो जीतेगा. रोहित शर्मा, ये मैच आपके हवाले है, बॉलिंग और कैप्टेंसी दोनों आपने हैंडल करनी है. तो आज देखते हैं फिर रोहित शर्मा का इम्तहान लिया जाएगा. आज रोहित शर्मा हमारी पार्टी, हमारी आज की रात आपके हवाले. वो गाना है ना कि तेरे हवाले कर दिया, ऐसे ही हमने आज की रात का हर एक फन, हर एक मोमेंट रोहित शर्मा आपके हवाले कर दिया. तो हाँ जी, हम लोग पाजी के घर में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये है इसकी सराउंडिंग्स. अभी हमने गूगल पे चेक किया और इंडिया का स्कोर काफ़ी अच्छा हो गया, 150+, जो कि 18th ओवर में विराट कोहली खड़ा है, शिवम दुबे खड़ा है. मैच अभी भी हमारे हाथ में है, हम ही जीतेंगे, इंडिया आज जीतेगा. मैं आपको पहले बता दूं, लिख के रख लो, इंडिया आज जीतेगा, मेरा दिल कह रहा है. तो ये है हमारे पाजी, मैच बड़ा तगड़ा चल रहा है, 160+ हो गया इंडिया का, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं.
और मुझे यकीन है कि इंडिया जीतेगा। पाजी जल्दी करो, गाड़ी से निकलो। पाजी किसको सपोर्ट करें ये बता दें। बांग्लादेश। बकवास बंद कर कुत्तिया। बांग्लादेश ब्रो। पंजाब फरार है भाई, फरार। हाँ जी गाइस, तो पाजी के घर में पहुंच चुके हैं यार। मैच काफी अच्छा जा रहा है, लेकिन मुझे एक इशू है अपने आखिरी जो प्लेयर्स खेले हैं, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने आज शेव कराई है, लेकिन वो बैट से आज शेव नहीं करा लोगों की। क्या कहते हो आप लोग यार? पांड्या, दिस इज फकिंग लास्ट ओवर मैन। वी नीड सिक्सेस, वी नीड फोर्स ब्रो। तो चलो अभी लैपटॉप ऑन करते हैं, मैच शुरू करते हैं और आपसे फिर शेयर करते हैं। I'm really excited. I'm looking forward to make India to win this World Cup because Rohit Sharma, Virat Kohli, ये World Cup deserve करते हैं। तो हाँ जी, मैच हम लोग देख रहे थे। मजे की बात है, बुमराह आए तीसरे ओवर में और हेनरिक्स की विकेट उड़ा के रख दी। मैच अपना है गाइज, मैच अपना है। यू ही लगे रहो एंड ब्रिंग द ट्रॉफी बैक टू होम। गाइज आप लोगों को बताते चले, मैच काफी टफ चल रहा है। अभी जो है इनकी तीन विकेट्स गई हैं, स्कोर राउंड अबाउट 80 चल रहा है और हालात काफ़ी ख़राब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो यही है, मैं और आप मिलके दुआ करते हैं उस रब से। बींग अ मुस्लिम, बींग अ पाकिस्तानी, एट द मोमेंट मैं दुआ ही कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है मैच का कंक्लूजन, मैच का रिजल्ट। यार खुदा की कसम पाजी, मैं आप लोगों को बता दूं, ये थी हमारी दुआएं, ये थी पाकिस्तान की सपोर्ट जो इंडिया जीत गया। गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि यार अल्लाह की कसम, रोहित शर्मा का रिएक्शन। रोहित शर्मा, यू आर अ फकिंग लेजेंड। यू डिजर्व दिस कप, यू डिजर्व दिस हैप्पी मोमेंट। और फाइनली इंडिया जीत गया। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और अपना पांड्या अभी रो रहे हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूं, ये हैप्पी टीयर्स हैं। अभी ये है अपने बॉयस। यू डिड इट ब्रो, यू डिड इट। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता था कि आज साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच चला था, मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया ये मैच जीता तो आज हम यस चैलेंज करेंगे, पाजी को क्लब में लेके जाएंगे, पार्टी करवाएंगे और पाजी का खर्चा हम उठाएंगे। तो चलो जी, पाजी से बात करते हैं, पाजी से पूछते हैं कि पाजी, ये है हमारे पाजी। पाजी आज का मैच कैसा था, पहले तो मुझे ये बताए। पाजी मेरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया की तो हमने बारी इकट्ठे देखी, साउथ अफ्रीका की जब बारी शुरू हुई, आपके कैसे इमोशंस थे, कैसी फीलिंग्स थी, क्या कहते हो आप? भाई हार मान गए थे, मैं कहा शर्मा जी फिर गए, लेकिन बुमरे का तोड़ ही नहीं है कोई भाई। बुमरा ने गेम बनाई है। नहीं, मुझे एक चीज बताएं, आपको किस ओवर तक लगा कि गेम साउथ अफ्रीका के हाथ में है और किस ओवर से लगा कि आप इंडिया बाजी मार सकते हैं? जब 30 बॉल पे 30 रह गए तो मैं कहा इंडिया गया भाई। तो आप चौके छक्के की गेम रह गई थी, मैंने कहा गया। उसके बाद बुमराह आया, कमाल हो गया यार। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बेशक मैं बींग अ पाकिस्तानी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, बट
जो अच्छी गेम है उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। गाइस आज की गेम बहुत हैवी थी, इंडिया ने कैसे साउथ अफ्रीका के मुंह से मैच निकाला मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। 30 बॉलों पे 31 रन चाहिए था, 3 बॉलों पे 31 रन चाहिए थे, बुमराह आया उन्होंने सिर्फ 2 रन बचे किए, लेकिन कमाल है बुमराह की, कमाल है सरदार जी की, उसके बाद कमाल है पांड्या जी अपने 16 रन बचा गए, लेकिन स्काई की कैच। पाजी मैं मेरे मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि सारी गेम का क्रेडिट रोहित शर्मा को जाता है, ये भी बोलेगा रोहित शर्मा को जाता है, रोहित शर्मा का भाई हमारे साथ बैठा हुआ है, तो इनसे पूछते हैं कि आज की मैच की जो फीलिंग थी इनकी कैसी थी। तो हाँ जी ब्रो बताएं, मेरे अकॉर्डिंग तो 5वें ओवर के बाद ना, मतलब लास्ट के 5 जब ओवर रह गए थे, हाँ जी, तब तक गेम खत्म था, मतलब ऐसा लगा कि मतलब आज तो हार गए यार। नहीं आप तो कब लगा कि अब मैच इंडिया के हाथ में है, कौन से बॉलर ने कौन से बैट्समैन ने आपको ऐसा फील कराया? जब ना 2 ओवर में 20 रन रह गए थे ना, तब एक चांस और होप बना था, वरना लास्ट के 5 ओवर रह गए थे तो ऐसे लगा कि भाई गेम तो बन गया। भाई 14 साल बाद था पैर, 14 साल बाद 2007 में हमने इनके खिलाफ जीता था फाइनल, अभी हमने अफ्रीका के खिलाफ जीता, आज इनके खिलाफ जीता ना, इनके खिलाफ। यार मैं आप लोगों को बताता चलूं कि डजंट मैटर 14 साल बाद जीते हो, 16 साल बाद जीते हो, गेम अच्छी हुई है, गेम अच्छी हुई है, विराट कोहली का ये कप वाकई रोहित शर्मा का, क्योंकि वो बंदा और विराट कोहली जैसे कि वो रिटायर हो रहे हैं इस T20 के बाद, तो मैं खुद ही दुआ कर रहा था कि ये कप इंडिया टीम डिजर्व करती है, उनको जीतना चाहिए। तो बाकी क्रेडिट टू बुमराह जिसने अपने 15 या 16 ओवर में 2 या 3 रन दिए और साउथ अफ्रीका पे इतना प्रेशर बनाया कि मैं आपको बता नहीं सकता, पूरी गेम साउथ अफ्रीका से निकाल ली जब उसने प्रेशर डाला, और पाजी ने आखिरी ओवर में जब उन्होंने अपने आखिरी ओवर किया 2 रन दिए और साउथ अफ्रीका की विकेट उड़ा दी। तो ये पाजी आज हम पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे, इंडिया की सेलिब्रेशन फुल एंजॉय करेंगे, आप राजा आज की रात राजा भाई। कि उस छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने पर, ओके छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने पर, एक मंदिर और उसके ऊपर बनी और वो फर्श बन गई। जैसा ने अभी ने बता दिया कि आज इंडिया जीत गया, आज इंडिया में नेक्स्ट लेवल रात हो रही है, पार्टी हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो बाकी आगे चलते हैं, पार्टी के मूवमेंट्स आप लोगों से शेयर करेंगे और क्लब आपको दिखाएंगे। जी तो कैसी रही कल की रात, उम्मीद है आप लोगों ने कल की रात को सही तरह यूटिलाइज किया होगा, इंडिया की विक्ट्री एंजॉय की होगी, इंडिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया होगा। मुझे आपको तो नहीं पता मगर जिस तरह मैंने पाजी ने और हमारे एक दोस्त ने यह विक्ट्री हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में एंजॉय की हम आपको बता नहीं सकते। रात को इतना नेक्स्ट लेवल फन किया, हमने कोशिश तो की सारे मूवमेंट्स कैप्चर करने की मगर मूवमेंट्स हमसे कैप्चर ना हो पाए। तो ऑल इन ऑल बताना ये चाहूंगा कि जब कल हम सेकंड इनिंग साउथ अफ्रीका की देख रहे थे तो एक बार सब कुछ मुंह में आ गया था, इट्स ट्रू, मैं झूठ नहीं बोला, एक मूवमेंट ऐसा लगा कि आज का मैच निकल गया, रात की पार्टी रात का जो इंतजाम हमने किया हुआ था वो सारा जाया हो जाएगा, मगर किस्मत ने हमारा साथ दिया, लोगों की दुआएं थी, पाकिस्तान की सपोर्ट थी, इंडियन कम्युनिटी की सपोर्ट थी, और दूसरा हमारी किस्मत में था कि हम रात की पार्टी को एंजॉय करें। तो
फिर ऐसा हुआ जो हिस्ट्री में लिखा रहेगा, ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, वो मोमेंट मैं एक्चुअली कभी नहीं भूलूंगा जब मैच जीते और रोहित शर्मा जो है जमीन पे गिर गए, उन्होंने जमीन को बोसा दिया, विराट कोहली रोने लग पड़े, हार्दिक पांड्या रोने लग पड़े, और सबसे बड़ी बात जसप्रीत बुमराह की वो जो छलांग, वो जो एनर्जेटिक वाइब, कसम खुदा की कल इंडिया ने दिल जीत लिया यार, एंड द मैच। तो ऑल इन ऑल ये था हमारा व्लॉग। सॉरी मेरा गला बैठा हुआ है चीख चीख के, हम लोग जो है कल आपको बता नहीं सकते हमारा गला बैठ गया, लेकिन ये है कि ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा जो है फैलाना, ताकि इसी तरह हम लोगों को इंटरटेन कर सकें, इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो दुश्मनी है, उसको खत्म कर सकें और फिर से ये भाईचारा, ये मोहब्बत, इसकी शुरुआत करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो ये यूरोपियन, ये गोरे कभी भी मारे नहीं बन सकती। तो अपना ख्याल रखना, इसी तरह हंसते रहो, बसते रहो और हर एक नाइट, हर एक दिन इसको मेमोरेबल बनाओ और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, जय हिंद, इंडिया जिंदाबाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।